नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था, XUV 3XO जैसे चेंज हो गई है, तो इसको फाइनली कल रिवील कर दिया गया है। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सारी डिटेल उन्होंने पेश कर दी है, क्या क्या प्राइजेस होंगे, कौन से वेरियंट आएंगे और कौन से वेरियंट में क्या क्या हमें मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो थोड़ा जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। और आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम कुछ ऐसे बात करेंगे कि जो सेक्शन है वो बांट देते हैं। पहले हम बात करते हैं इंजन के साथ ही इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर माइलेज आएगी उसकी बात करते हैं, फिर ट्रिम्स कौन कौन से आते हैं, प्राइस क्या है, उसके बाद फिर अलग अलग वेरियंट के अंदर क्या क्या हमें फीचर्स मिलेंगे। वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट वाला भी वीडियो बाद में बनाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों XUV 3XO को M और A टाइप के वेरिएंट्स में डिफाइन किया गया है, वेरिएंट को बदला गया है। M वेरिएंट जैसे कि MX1, 2 और 3, उसके अंदर प्रो वेरिएंट आ जाते हैं। फिर AX यानी कि एड्रेनो एक्स जो इसको बोलते हैं, कनेक्टेड कार का फीचर, तो उस वो थोड़ा लग्जरी वाले फीचर्स में आ जाता है, जिसमें कि AX5 और AX7 नाम से वेरिएंट भी पेश किया गया, उसके अंदर लग्जरी भी है। तो जो बेस वेरिएंट है उसको पेश किया गया है पेट्रोल के अंदर ही, डीजल उसमें नहीं आता। M2 के अंदर डीजल बेस वेरिएंट है लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं आता। तो मेरे कहने का मतलब है कि M1 जो वेरिएंट है वो पेट्रोल का बेस वेरिएंट है बन जाता है, और M2 है जो वो डीजल का बेस वेरिएंट बन जाता है। दोनों में एक एक ट्रिम ही आता है। तो प्राइस दोस्तों इसके शुरुआत होती है 7,50,000 से 1,000 कम, यानी कि 7.49 लाख, जो पिछली वाली गाड़ी जो आई थी इनकी उससे 50,000 तक कम है। बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को भी डिफाइन किया गया है। दो तरह के जो इंजन आए हैं, जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर, जो एम सीरीज का वेरिएंट है उसके अंदर छोटे वाला पेट्रोल इंजन डाला गया है। ए सीरीज वाले या एक्स सीरीज इसको बोल सकते हैं, उसके अंदर बड़े वाला इंजन डाला गया है पेट्रोल में। डीजल के वेरिएंट सभी में कुछ ना कुछ अवेलेबल करवाए गए, वो आगे हम बात करते हैं। 111 BHP का जो पावर जनरेट करने वाला इंजन है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, 18.89 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज क्लेम कर रहा है। उसके बाद टॉर्क कन्वर्टर इसके अंदर दिया गया, सब में ऑटोमेटिक भी है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। वो 17.96 की माइलेज क्लेम करता है। अगर डीजल की बात करूं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.06 की माइलेज क्लेम की जा रही है मैनुअल में, और ऑटोमेटिक के अंदर इसमें इसको ऑटोमेटिक प्लस बोल रहे हैं, ऑटो गियर शिफ्ट प्लस बोल रहे हैं इसको, तो इसकी जो माइलेज है 21.2 की क्लेम की जा रही है, जो कि 80,000 रुपये महंगा है मैनुअल से। अगर बात की जाए 131 BHP वाला जो AX5 सीरीज का जो इंजन है, बड़ी पावर कॉन्फिगरेशन वाला, उसमें एसिन सोर्स 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर लगाया गया है, जो कि बेहतरीन 18.2 की हमें माइलेज प्रदान कर देता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ये गाड़ी दोस्तों 20.1 HK की माइलेज प्रदान करती है, और ये गाड़ी दोस्तों 1.5 लाख रुपए महंगी है ऑटोमेटिक वाली मैनुअल ट्रांसमिशन से। तो ये तो दोस्तों होगी इनके इंजन की बात, और इसके साथ ही इनके जो माइलेज आएगी उसकी बात। बेस पेरेट का प्राइस मैंने आपको बताया 7,50,000 से तकरीबन शुरू हो जाता है। और दोस्तों इसकी अगर बेस ट्रिम के अंदर देखें तो हमें क्या क्या मिल जाता है, सिर्फ पेट्रोल के अंदर बेस वेरिएंट आता है जिसकी माइलेज स्पेसिफिकेशन आपसे मैंने शेयर की। उसके अंदर दोस्तों आता है TCMPFI इंजन है जो पेट्रोल का, 7,50,000 रुपए का है। डीजल कोई अवेलेबल नहीं है, तो स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है। बाय हैलोजन हेडलैम्प्स है इसके अंदर, LED लैंप है टर्न इंडिकेटर फ्रंट के अंदर, और उसके बाद इंडिकेटर्स ओवर के OVR के अंदर शुरू से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। LED टेल लाइट, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और चाइल्ड एसोफिक्स ये दिया गया है सेफ्टी के अंदर। R16 स्टील व्हील्स इसके दिए गए, जिसके अंदर कवर भी नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल ORVMs, ऑल पावर विंडो, इंजन स्टार्ट स्टॉप की सुविधा बेस वेरिएंट में ही है। स्टीयरिंग मोड्स मिल जाएंगे आपको, ड्राइवर विंडो 1 टच अप डाउन, उसके साथ ही फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, 60-40 स्प्लिट रियर सीट, रियर रिसीवर्स, और फ्रंट में टाइप ए और रियर में टाइप सी, और 12 वोल्ट की सॉकेट मिल जाएगी चार्जिंग के लिए। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है सेकंड रो के अंदर 2 पैसेंजर्स के लिए पीछे वाले, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर सभी पैसेंजर्स के लिए, और हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर है, रजिस्टर है हर एक पर्सन, हर एक पैसेंजर के लिए। एम स्टैलियन इंजन है इसका 1.2 लीटर का, 200 PS की पावर, 111 HP की पावर के साथ ये जनरेट करता है। 265/65 R16 इसके अंदर टायर दिए गए हैं। लेंथ 3.5
3990, विड्थ 1821, हाइट 1647, व्हील बेस 2600 और बूट 364। ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको इंप्रूव किया गया है, अब कैसे वो अंदर बैठ के पता लगेगा। टर्निंग रेडियस इसका 5.3 का बताया जा रहा है। तीन कलर इसके अंदर अवेलेबल है, व्हाइट, ब्लैक और सिल्वर। अब चलते हैं अगले वाले वेरिएंट पे, जो कि M2 है, जिसके अंदर 9.99 लाख रुपए का डीजल वेरिएंट हमें मिल पाता है। इसके अंदर पेट्रोल वेरिएंट नहीं मिलता, ये डीजल का बेस वेरिएंट है। 7 कलर्स अवेलेबल करवाए गए हैं इसके अंदर। 26.03 सेंटीमीटर का इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है बेस वेरिएंट में। 4 स्पीकर ऑडियो कंट्रोल साथ में है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। रिमोट कीलेस एंट्री, फॉलो मी हेडलैम्प्स और CRDE इंजन जो इनका है 1.5 लीटर वाला, वो 117 bhp का और 300 Nm के टॉर्क के साथ ये गाड़ी पेश करती है और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो ये दोस्तों बेस वेरिएंट आ गया। अब चलते हैं जो प्रो वेरिएंट आए, M2 के अंदर प्रो वेरिएंट आते हैं उनकी अगर बात करें तो इसके अंदर जो M1 वाले वेरिएंट में जो चीजें मिल रही हैं प्लस M2 में जो मिल रही है वो सारी पेट्रोल के अंदर मिलेगी, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रो के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक सनरूफ की ऑप्शन साथ में दी गई है, इसके लिए ये वेरिएंट बनाया गया है। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, जैसे सेल्टोस में और नेक्सॉन में एक एक ट्रिम जरूर है बेस वेरिएंट में जो सनरूफ दे दे, जिसमें कि जो सनरूफ के शौकीन है उनके लिए जो वेरिएंट बना। हालांकि सिंगल पेन है, ये मून रूफ जो पहले बता रहे थे वो वाला नहीं है, इसके अंदर सनरूफ मिलेगा सिंगल पेन वाला। तो उसके क्या प्राइसेस है? सनरूफ के साथ व्हील कवर, बस यही दो चीजें इसके अंदर मिलती हैं। 10,39,000 रुपए का हमें मिलेगा डीजल वेरिएंट, और जो पेट्रोल वेरिएंट है इसका 8,99,000, तकरीबन 9 लाख रुपए का पड़ता है हमें। ऑटोमेटिक इसके अंदर मिलना शुरू हो जाता है बेस वेरिएंट ऑटोमेटिक का, इसके अंदर 9,99,000 रुपए का, यानी कि 10 लाख रुपए देकर हम सनरूफ वाली ऑटोमेटिक पेट्रोल गाड़ी खरीद सकते हैं। डीजल में ऑटोमेटिक इसमें नहीं दिया फिलहाल, तो 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे पीछे जो डीजल वेरिएंट में मैंने M2 में बताए जो वो भी सारे वेरिएंट में जुड़ जाएंगे फीचर, प्लस इसके अंदर वन व्हील वेरिएंट भी आ गया और सनरूफ के साथ व्हील कवर भी साथ में दे दिया जाएगा। 1.5 लाख रुपए महंगी है गाड़ी, ये ऑटोमेटिक इससे 1 लाख रुपए और महंगी है। तो कहने का मतलब है अगर हम देखें तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है जो बेस वेरिएंट का, वाकई काफी कुछ काम के अच्छे फीचर भी उसमें मिल जाते हैं, लेकिन M2 के अंदर कोई भी इन्होंने वेरिएंट में नहीं दिया, सीधा ही सनरूफ वाला वेरिएंट आपको पेश कर दिया 9 लाख रुपए में, जो कि अच्छी इनोवेशन, बड़ी सोची समझी सी इन्होंने एक वेरिएंट बना के पेश किया है। आगे चले M3 के ऊपर, तो यहाँ पे सारे ही वेरिएंट और सारे ही ऑप्शन हमें मिल जाते हैं तकरीबन। अब यहां से देखिए तो डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन 90,000 रुपए महंगा हो जाता है, 10,90,000 रुपए पड़ जाएगा। डीजल के अंदर ऑटोमेटिक यहां से मिलना शुरू होगा जो 11,70,000 के करीब पड़ता है एक, और पेट्रोल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन 9,50,000, 1,000 कम कर लीजिए 9.49 लाख रुपीज, ये 50,000 रुपए महंगा है पिछले वेरिएंट से, और ऑटोमेटिक 1 लाख रुपए महंगा और ज्यादा है, 10,99,000 रुपए का है। इसमें अब इतने पैसे एक्स्ट्रा देकर या 90,000 रुपए डीजल में एक्स्ट्रा देकर हमें क्या मिल जाता है? सिंगल पैन सनरूफ 26.03, अब HD वाली इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है हमें, वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और व्हील कवर, ये चीजें हमें इसमें मिल जाती हैं। अब प्रो वेरिएंट जो आता है इसके अंदर डीजल में ऑटोमेटिक नहीं आता, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे और 3 ट्रिम मिल जाते हैं इसके अंदर। 11,39,000 रुपए का वेरिएंट डीजल का पड़ता है, जो कि हमारे पास 50,000 का और महंगा होता है MX3 से। अब पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन ये भी 50,000 रुपए महंगा होकर 9.99 रुपीज का मिलता है। पेट्रोल के अंदर ऑटोमेटिक 11,50,000 रुपए पड़ता है, जो 50,000 रुपए और महंगा है। अब 50,000 और एक्स्ट्रा देखिए हमें क्या मिला, बायो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, LED DRLs विद टर्न इंडिकेटर्स, कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाएगी और वेक्टर स्टाइल के डिजाइन के हमें व्हील कवर व्हील मिल जाएंगे। तो ये कुछ तो M सीरीज खत्म हो गई, अब AX सीरीज शुरू होती है। AX5 जो वेरिएंट है जिसमें एड्रीनॉक्स या कनेक्टेड कार के फीचर्स वाला वेरिएंट है, और इसके अंदर हमारे पास दूसरे वाला पेट्रोल बड़े वाला इंजन भी मिलना शुरू हो जाता है, जिस छोटे वाले इंजन में नहीं मिलेगा। 130 bhp की पावर, 230 Nm के टॉर्क के साथ एक गाड़ी पेश करती है, और इसके अंदर 8 तरह के कलर्स अवेलेबल करवाए गए हैं। क्या क्या इसके अंदर मिल जाएगा दोस्तों? X5 के अंदर ट्विन HD 26x3 इंफोटेनमेंट सिस्टम और साथ में उसका MID भी साथ में मिल जाएगा। दो दो हमें बड़ी बड़ी स्क्रीन हमें देखने को मिलेगी, एक MID हो गया, एक
इंफोटेनमेंट सिस्टम, एड्रेनोक्स से कनेक्टेड कार के हमें फीचर्स मिल जाएंगे जो एलेक्सा के साथ कनेक्टेड है, ऑनलाइन नेविगेशन भी मिलेगी, वायरलेस एंड्रॉइड कारप्ले तो है ही इसके साथ, अब R16 डायमंड कट एलॉय व्हील्स भी इसके साथ मिल जाएंगे, टू जोन का एसी, रियर व्यू कैमरा, पैसिव कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट, लेदर स्टीयरिंग जो टच है वो दिया गया है, गियर नॉब के ऊपर भी लेदर टच दिया गया है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर्स, रियर वॉशर वाइपर, रूफ रेल्स स्पॉइलर के साथ, रियर डिफोगर, 6 स्पीकर का सेटअप और सभी पीछे की 3 सीटों के लिए हमें हेडरेस्ट मिल जाएंगे एडजस्टेबल। अब इसके अंदर दोस्तों ये प्राइस क्या है, AX जो 5 डीजल वेरिएंट है उसका प्राइस 12,09,000 रुपए है, जो कि कनेक्टेड कार का फीचर साथ में जुड़ते ही 70,000 रुपए महंगी हो जाती है पिछले वेरिएंट से, MX3 प्रो से। ऑटोमेटिक वेरिएंट 12,90,000 रुपए पड़ेगा, जो कि 1,20,000 रुपए महंगा है, क्योंकि MX3 प्रो के अंदर डीजल का ऑटोमेटिक नहीं आता, सीधा जंप हम करेंगे AX5 के अंदर। पेट्रोल का 10,70,000 रुपए का वेरिएंट है, जो कि 70,000 रुपए महंगा है पिछले वाले वेरिएंट से, ऑटोमेटिक भी 70,000 महंगा होकर 12,20,000 रुपए का या 12,19,000 हम कह सकते हैं, तो ये इसके प्राइस बैकअप बन जाएगी। अब इसके अंदर जो लग्जरी वेरिएंट आता है उसका क्या प्राइस है और उसमें क्या क्या फीचर्स ऐड हो जाएंगे, प्राइस दोस्तों उसका है 11,99,000 रुपए मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट का, और पेट्रोल में ऑटोमेटिक का वेरिएंट 13,50,000 रुपए का हमें पड़ता है, जो कि तकरीबन 1,30,000 रुपए और महंगा हो जाता है AX5 वेरिएंट से, इसके अंदर डीजल वेरिएंट नहीं दिया गया। क्या मिल जाएगा, बेस चीज दोस्तों जो इतना महंगा इसको कर देती है वो है एडाज का लेवल 2 इसके अंदर दिया गया, जिसके अंदर 80 तरह के कनेक्टेड कार के फीचर्स साथ में जोड़ दिए गए हैं, 360 कैमरा, सराउंड व्यू है जो, और ब्लाइंड स्पॉट मिररिंग, ऑटो डिमिंग एयरवे, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई जो स्विच से चलती है, और ऑटो होल्ड का फंक्शन उसमें दिया गया है, और कूल्ड ग्लव बॉक्स की सुविधा इसके अंदर जोड़ दी गई है पिछले वाले वेरिएंट के साथ। अब AX7 की बात करूं, जो टॉप ट्रिम ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम, AX7 के अंदर क्या है कि यहां पे हमें मून रूफ या पैनारोमिक सनरूफ इस वेरिएंट में पहली बार यहां से मिलनी शुरू हो जाती है। हार्मन कार्डन का बेहतरीन साउंड क्वालिटी वाला सिस्टम है, जो कि एम्प और सब वूफर के साथ आपको इसमें दिया गया, सॉफ्ट टच मटेरियल जो है लेदर जो डैशबोर्ड पे भी और डोर पैड्स के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा, लेदर सीट्स भी इसके अंदर मिलनी शुरू होती है, और इसके अंदर टॉप ट्रिम में बड़ा R17 जो एलॉयज है डायमंड कट वो इसके अंदर दिए गए, ऑटो डिमिंग ORVMs, LED फॉग लैंप्स पहले और आगे वाले फ्रंट वाले, फ्रंट पार्किंग असिस्ट सिस्टम, कूल्ड ग्लोव बॉक्स विद इल्यूमिनेशन, और 6 और 65 वाट का USB चार्जर हमें मिल जाता है सी टाइप का फास्ट चार्जिंग। कीमतें की बात करूं तो डीजल 13,70,000 रुपए का है, जो 1,60,000 रुपए और महंगा हो जाता है नीचे वाले वेरिएंट से। इसमें जिक्र योग्य बात यही है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मेन हाईलाइट हमें दिखाई देगी है, एक हार्मन कार्डन का सिस्टम नजर आएगा मेन जो हाईलाइट है, और दूसरा इसके अंदर जो हमें सनरूफ मिल रही है बड़े वाली पैनारोमिक सनरूफ मिल रही है, तो उसके कारण ये कीमतें इतनी हो गई हैं इसकी। ऑटोमेटिक की वेरिएंट की बात करूं तो 14,50,000 रुपए का है, 1,60,000 रुपए और महंगा हो जाता है पिछले वाले वेरिएंट से। पेट्रोल 1,80,000 रुपए दोनों महंगे, डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक 12,50,000 रुपए का हमें पड़ता है मैनुअल ट्रांसमिशन, और ऑटोमेटिक पड़ता है 14,00,000 रुपए का। जब टॉप ट्रिम कौन सा है, AX7 लग्जरी, इसके अंदर अडास का लेवल 2 भी मिलेगा, 360 कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड का फीचर, ये दोस्तों इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अडास का लेवल 2 देने की कोशिश है, तभी हमें ये चीजें मिल रही हैं। डीजल के अंदर यहाँ पे सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक नहीं मिल पाएगा। 14,99,000 रुपए का ये वेरिएंट है, और ये टॉप ट्रिम ही है, इसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल में नहीं है इसमें। 1,30,000 रुपए महंगा हो गया, जो कि अडास का लेवल 2 साथ में लेके चलता है, और पेट्रोल के अंदर 14,00,000 रुपए की गाड़ी है ये, जो 1,50,000 रुपए महंगी हो जाती है, और ऑटोमेटिक 15,50,000 रुपए की है, जो कि पिछले वाले वेरिएंट से 1,50,000 रुपए महंगी हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें इसके अंदर डाली गई है। टॉप ट्रिम तक आते आते ये गाड़ी तकरीबन 15,50,000 रुपए की पेट्रोल वाली गाड़ी टर्बो वाली आ जाती है, और टॉप ट्रिम डीजल का मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आता है, जो 15,00,000 रुपए का है। अब बात करें बुकिंग की, दोस्तों 15 मई से इसकी बुकिंग चालू हो जाएगी, और इसके साथ ही इसके अंदर पेट्रोल में टोटल का निचोड़ लगा के दिखाई दे रहा है, पेट्रोल में 5 ट्रिम्स अवेलेबल करवाए गए हैं, ऑटोमेटिक के अंदर 4 अवेलेबल करेंगे 111 BHP में, 130 BHP वाले में 3 ट्रिम है मैनुअल ट्रांसमिशन में, और 3 ही ऑटोमेटिक के अंदर है। डीजल वेरिएंट जो 117 BHP है
उसकी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वेरिएंट उसी में है, 7 मैनुअल ट्रांसमिशन में, 3 ऑटोमेटिक में। ये वेरिएंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि एक ही डीजल इंजन जिसको अलग अलग जगह पे चाहे एम सीरीज है एक्स सीरीज है दोनों में डिफाइन किया गया है। आगे देखो तो टोटल मिला के 15 इसके अंदर ट्रिम्स अवेलेबल करवाए गए हैं, और पिछले वाले वेरिएंट में जो पिछला वेरिएंट था उसमें 25 ट्रिम थे, अब उससे थोड़ा सा कम हो गए हैं, प्राइस थोड़े से उससे बेस वेरिएंट से 50,000 रुपए लेस किए गए अब के वाले वेरिएंट में। तो इसका जो राइवल्स है उनकी अगर प्राइस ब्रैकेट देखें तो तकरीबन इनसे बड़ी कंपेटिटिव रखे गए हैं स्टार्टिंग वाले प्राइस है ये। जैसे कि सोनेट को देखा जाए तो 7,99,000 से शुरू होकर 15,75,000 तक इसके वेरिएंट जाते हैं, जहां पे इसका बेस वेरिएंट और टॉप ट्रिम में 25,000 से 50,000 तक के डिफरेंस है अपने राइवल से। नेक्सन तो और ज्यादा महंगी है जो इसके डायरेक्ट राइवल है, क्योंकि नेक्सन एक अली गाड़ी आती है जिसमें पेट्रोल डीजल और ईवी आता है। ऐसे ही महिंद्रा की ये XUV300 है या XUV300 है जिसको कि 400 करके ईवी बेचाता है, लेकिन पेट्रोल डीजल और ईवी तीनों ट्रिम इसमें भी आते हैं। इसकी राइवलरी में प्राइस ब्रैकेट देखे कहां जा रही है तो 8,15,000 रुपए का इसका बेस वेरिएंट है नेक्सन का, और टॉप ट्रिम तो जाते थे 15,80,000 रुपए की होती है। बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट के अंदर टॉप ट्रिम में भी 30,000 रुपए सस्ती है XUV300, बड़े ही कंपिटेटिव तरीके से स्टाइल किया गया है इनके प्राइजेस को। और अगर हम देखें ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर ही 100 में 9,99,000 से 10,00,000 रुपए में, और सनरूफ वाला वेरिएंट आपको तकरीबन 9,00,000 रुपए का मिल जाता है 8,99,000 रुपए का। तो दोस्तों कुल निचोड़ हमारे पास यही है कि बहुत ही कंपिटेटिव और बहुत सोच समझ के इसके वेरिएंट्स को रखा गया, प्राइस ब्रैकेट उस हिसाब से डिफाइन की गई है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि आगे जाके इसके अंदर क्या क्या चीजें और कितनी कामयाब गाड़ी हो पाती है। वैसे तो महिंद्रा कभी भी इस चीज को पीछे नहीं रखता, हर तरह के फीचर्स, हर तरह का डिजाइन के अंदर जो XUV700 स्कॉर्पियो एन और क्लासिक में दिया गया वैसी ही चीजें इसके अंदर भी पेश की गई है। वेरिएंट्स को अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया, अलग अलग तरीके से फीचर्स को बांटा गया है एक वेरिएंट के अंदर, वो हम वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट वाले वेरिएंट के बारे में बात अगले वीडियो में पर करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, ये सभी वेरिएंट्स और फीचर्स के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों का शेयर कीजिए जिन्होंने इस सब 4 मीटर कैटेगरी की गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं लेने के लिए, तो इस गाड़ी के बारे में डिटेल में जानकारी उनको सहायक सिद्ध हो सकती है। वीडियो पसंद आया, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।